नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। देशभर में लोकसभा चुनावों की गहमा गहमी है। राजधानी दिल्ली में लोकसभा चुनाव 25 मई को होना है, इसको लेकर सभी अपना दमखम दिखाने में लगे हैं। खास बात है कि लोकसभा चुनावों के साथ दिल्ली में एक चुनाव और भी है। जी हां, आपको बताते चले कि एशिया की सबसे बड़ी रेडीमेड गारमेंट मार्केट टैंक रोड करोल बाग में व्यापारी संगठन के चुनाव 30 मई को होने हैं, जिसको लेकर यहां के व्यापारियों में काफी उत्साह है। इस चुनाव में टैंक रोड RWA के अध्यक्ष रंजीत गंगवाल सचिव पद के लिए उम्मीदवार हैं। इन्होंने बताया कि सबसे पहले पार्किंग की सुविधा व तारों के जंजाल से छुटकारा दिलाना है। लोकसभा चुनाव व मार्केट चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी से ट्रेड विंग के अध्यक्ष ब्रजेश गोयल भी आज टैंक रोड मार्केट में व्यापारियों से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों व मार्केट के चुनाव में रंजीत गंगवाल को विजयी बनाने की अपील की। सर, एक तरफ लोकसभा का चुनाव चल रहा है, दूसरी तरफ अब जो है मार्केट मीटिंग के अंदर ये लोकसभा चुनाव को लेके हम लोग पूरे दिल्ली के अलग अलग बाज़ारों में, इंडस्ट्रियल एरिया में जा रहे हैं। पिछले 15 दिनों में 50 से ज़्यादा मीटिंग हम लोग अलग अलग मार्केट्स में कर चुके हैं और लोगों को बता रहे हैं कि किसको वोट देना है। आम आदमी पार्टी के जो चारों प्रत्याशी हैं उनको जिताना है। दिल्ली में MCD में एक आम आदमी पार्टी की सरकार है, दिल्ली में एक आम आदमी पार्टी की सरकार है और सांसद भी अगर आम आदमी पार्टी के जीते हैं और सातों कैंडिडेट अगर आ जाते हैं यहाँ पे दिल्ली में, तो किस तरह से ज़्यादा काम MCD में हो पाएंगे। दिल्ली सरकार के हाथ मजबूत होंगे क्योंकि सांसद के अधीन पुलिस भी आती है, लैंड भी आती है, DDA भी आता है, लॉ एंड ऑर्डर भी आता है और लैंड यूज करना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। व्यापारियों का ये मांग थी तो सभी व्यापारी इस बात को लेके एक मत भी हैं, सभी ने समर्थन भी मिल रहा है कि भाई सांसद अगर आएंगे तो इनके हाथ मजबूत होंगे क्योंकि ट्रिपल इंजन की सरकार एक तरह से दिल्ली में हो जाएगी। तो बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है और करोल बाग में भी आज हम लोग मीटिंग के लिए आए हैं यहाँ पे भी और तमाम व्यापारियों का बहुत अच्छा समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है। मार्केट्स में पार्किंग एनक्रोचमेंट बहुत सारी समस्याएं, पार्किंग को लेके एक बात हुई है लेकिन वही बात है कि जगह सब जगह एक ही चीज़ आती है कि जगह नहीं है, पार्किंग कहाँ बनाई जाए। उसी लिए हम कह रहे हैं सबको जा जाके कि सांसद अपना बना के भेजिए क्योंकि पिछले जो सांसद रहे 10 साल में नई दिल्ली क्षेत्र में, इस समय हम खड़े हैं नई दिल्ली लोकसभा के जो सांसद रही 10 साल से, उसने एक काम नहीं किया, एक बार भी नई दिल्ली लोकसभा के जो मार्केट हैं उनकी आवाज़ संसद में नहीं उठाई। इसलिए हम कह रहे हैं कि अपना सांसद सुनिए जो आपकी आवाज़ संसद में उठा सके और आपकी पार्किंग के लिए ज़मीन अलॉट करा सके DDA, क्योंकि DDA भी सांसद के अंडर में आता है। तो सांसद होगा तो DDA से आपको पार्किंग के लिए ज़मीन भी दिला पाएगा, आपके कानून भी संसद में बनवा पाएगा और दिल्ली सरकार के हाथ भी मजबूत होंगे, MCD के हाथ भी मजबूत होंगे। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप अपना सांसद सुनिए, अपने बीच का सांसद सुनिए जो आपके लिए अवेलेबल हो, अप्रोचेबल हो, जिस जहाँ तक आपकी आवाज़ पहुँच सकती है। एक समस्या और आती है कि बड़े बड़े व्यापारी आते हैं और सामने भारत का इलाका हो जाता है, उसमें जो है चोरी की या इसके लिए किस तरीके की मार्केटिंग? नहीं, निश्चित रूप से CCTV कैमरे हर मार्केट में लगे होने चाहिए, बहुत सारे मार्केट में लगे भी हैं अभी भी, लेकिन बहुत मार्केटों में ज़रूरत है। हर मार्केट की थाना कमेटी होनी चाहिए, हर मार्केट की थाना कमेटी हो, हर महीने उसकी एक मीटिंग हो जिससे वो स्थानीय स्तर पे जो नज़दीकी थाना होता है वो यहाँ पे एक गश्त हो पूरी पुलिस की एक यहाँ पे रेगुलर, तो ये सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सांसद के अधीन ही पुलिस आती है तो पुलिस का नियंत्रण, सांसद का नियंत्रण भी पुलिस पे भी होता है, तो सांसद जीतना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसे ड्राइंग रूम वाले हम सांसद चुन देंगे कि 5 साल में एक बार वोट मांगने आते हैं उसके बाद गायब हो जाते हैं, तो ड्राइंग रूम वाले सांसद चुने जाते हैं, इसीलिए व्यापारियों की समस्याएं जो कि तो बरकरार रहती हैं। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि विधायक और पार्षद जैसे ज़मीन पर रह के काम करते हैं वैसे सांसद को भी ज़रूरत है और 25 करोड़ रुपये सांसद को 5 साल में मिलते हैं क्षेत्र के विकास के लिए। देखो, निश्चित रूप से रंजीत गंगवाल जी हमारे 10 साल पुराने साथी है, बहुत मेहनती है, यहाँ के RWA के भी प्रेसिडेंट है, बहुत काम इन्होंने इस मार्केट की जो समस्या है अकेले लड़े रहते हैं, भिड़ जाते हैं प्रशासन से अधिकारियों से, तो हम चाहते हैं कि
कोर्ट भी चले जाते हैं ये व्यापारियों के मुद्दों पे, और हमारे सक्रिय सदस्य हैं, हमारे बहुत बड़े सक्रिय पदाधिकारी हैं, तो हम चाहते हैं रणजीत गंगवाल जी जो सचिव पद के लिए खड़े हैं करोलबाग टैंक रोड मार्केट से, हम टैंक रोड के सभी व्यापारियों से अनुरोध भी करते हैं कि 30 मई को जब चुनाव में वोट डालने जाएँ तो रणजीत गंगवाल जी को सचिव बनाइए। टैंक रोड का अगर विकास करना है, टैंक रोड की समस्या, क्योंकि रणजीत सिंह डायरेक्ट सरकार से भी जुड़े, इनकी आवाज़ डायरेक्ट तक सरकार तक इनकी सीधी आवाज़ पहुंचती है, तो ये सरकार के नुमाइंदे बनके ज़्यादा काम आपके क्षेत्र के लिए करा पाएंगे। दिल्ली की जनता को तो यही संदेश है कि वोट ज़रूर डालें, हमने एक अभियान भी CTI ने चला रखा है, वोट देकर आओ, डिस्काउंट लेकर जाओ। दिल्ली के 50 बाज़ारों में ये हमारा अभियान चला है, बहुत सारे मार्केटों ने 5%, 10%, 15% के डिस्काउंट की घोषणा की है कि 25 तारीख को जो लोग वोट डाल के आएंगे और 26 मई को हमारे बाज़ार में ख़रीदारी के लिए आएंगे उनको विशेष डिस्काउंट अंगुली की शाही देख के दिया जाएगा। तो तमाम दिल्ली वासियों से अनुरोध है, चाहे भीषण गर्मी हो लेकिन सुबह सुबह मतदान करने जाएं, अपने परिवार को, मित्रों, रिश्तेदार, पड़ोसियों को ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करने के लिए प्रेरित करें। ये माहौल तो इनके पक्ष में ही है, दूसरे पार्टी तो कोई नहीं जानता, दूसरे चलो। अब इन्होंने कोरोना काल में भी काफ़ी काम किया है, पार्किंग को लेकर इन्होंने काफ़ी काम किया है, पार्किंग में कोर्ट से केस जीत के आए हैं और आगे भी ये काम करेंगे। कोरोना काल में बड़ा अच्छा काम किया था इन्होंने, चुनाव जीत कराएंगे, मार्केट के लिए काम करेंगे। हाँ जी, हाँ करेंगे, उम्मीद तो यही है हमारी इनसे, हमारे करेंगे। हमारे किस तरीके का माहौल है मार्केट में, हमारे का भी चुनाव है, वो फेथ एकेडमी वाला मामला है। मार्केट में अभी क्या नाम किसी उसका ग्रुप का अभी क्या नाम रुझान नहीं है, सबके इंडिविजुअली क्या नाम रुझान आ रहे हैं, प्रधान के लिए अलग आ रहे हैं, कैशियर के लिए अलग आ रहे हैं, सचिव के लिए अलग आ रहे हैं, ऐसे भी कोई क्लियर कट आया नहीं है रुझान। नाम मेरा नाम रंजीत गंगवाल है, टैंक रोड मार्केट। आज मार्केट में चुनाव चल रहा है, आप सचिव का चुनाव कर रहे हैं, क्या मुद्दों के लेकर के मार्केट में जा रहे हैं लोगों के पास? मुद्दे तो ज्यादातर तो वैसे तो मैं पहले काम कर चुका हूँ, बिगर सीट के रह चुके हैं, या मेन समस्या यहाँ पार्किंग की है और बिजली की तारों की है, जो तारों का जाल बना हुआ है, सीवर लाइन जैसे हो गई, और जो ग्राहकों को जो सुविधा चाहिए सुविधा के लिए हम काम करेंगे, और जैसे कि यहाँ जाम थोड़ा जाम लगता है तो ट्रैफिक का खूब खुलवाएंगे उसको पूरा, ये सारे मुद्दे रहेंगे बाजार में। बताया जा रहा है कि मार्केट में जो लोग व्यापार के लिए आते हैं, व्यापार की सबसे बड़ी समस्या उसके लिए, मैंने DDA से सर्वे करवा दिया लीगल वाइज से, उसको 4 साल से मैं लगा हुआ हूँ, और कोशिश ये है 2-3 साल में उसका अप्रूवल आ जाएगा, तो टाइम लगता सरकारी काम है, और हमारे पीछे ब्लॉक नंबर 11 है उसके अंदर वो पार्किंग से पार्किंग बनवाने जा रहे हैं। तो सचिव पद के लिए और भी आपके सामने कोई है? हाँ है, हमारे पत्नी भी है, हमारे मित्र है, हमारे सामने। क्या लगता है किस तरीके की टक्कर भाई? ये तो सब दुकानदार भाई जानते हैं, मैं तो बिगर पद के रहकर यहाँ काम किया, कोरोना काल से कर रहा हूँ जब से, तो सब दुकानदार भाई जानते हैं। जिसकी बात भी जाता हूँ तो बस वही एक बात ही कहते हैं मुझे, भाई तुझे आने की जरूरत नहीं है, अब हमारी बारी आपको बिठाने की कुर्सी पे, वो ये कहते सब। रंजीत भाई, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि जो आने वाले व्यापारी हैं उनके साथ में जेब तराशी की यहाँ पर सबसे बड़ी घटनाएं होती है, उसको लेकर क्या करना चाहते हैं? उससे ये आपने बात बहुत अच्छा किया, मुद्दा भी उठाया, बहुत अच्छा उठाया था, ये हमारे ध्यान में था, और हमने बिगर पद पर रहकर ये पहले किया था, आज से 3 साल पहले से ये मुद्दा उठाया था, लेकिन पिछले 1.5 साल से ये मुद्दा बिल्कुल खत्म हो गया है और बंद हो चुका है, बस 1-2 आदत जो बाई चांस जहाँ ट्रैफिक जाम होता है वहाँ जरूर रहता है, लेकिन अदरवाइज ये मुद्दा भी हमने क्लियर करवा दिया। आज आप लोग आशीर्वाद देने आए हो? जी जी, अयोध्या जी को जी। और क्या कहना चाहते हैं? बहुत बहुत इनको दिल्ली से जिताना चाहते हैं, हम सारे किन्नर जितने समाज से आए हैं इन्वाइट किए हैं, हम लोगों को बहुत अच्छा लगा, आज बहुत खुशी की बात है कि आज किन्नर समाज को याद किया। क्या आज भी आप भी जाएंगे जो नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं उनके समर्थन में? बिल्कुल, जब हमें बुलाया गया है तो जाएंगे जरूर, नरेंद्र मोदी के लिए हम लोग भी खड़े हैं, वोट के लिए, हर जगह हर समय में हम लोग भी है, किन्नर समाज भी है। बस जैसे जैसे चुनाव की डेट नज़दीक आ रही है और देखा जा रहा है समाज, हर समाज बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, वहीं नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद देने के लिए जनता पूरा आक्रोश हुई हुई है और प्यार भर रही है,
और हमारे साथ एक किन्नर समाज के लोग हैं, पूनम जी हैं, उनसे बात करते हैं। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत हमारे चैनल में आपका जी। क्या कहना चाहोगे और आज लोग आप इकट्ठित हो रहे हो और उनको चंदेली जी को आशीर्वाद देना है, क्या कहना चाहोगे जी? देखिए, आपने पहले भी देखा होगा, आप तो न्यूज़ चैनल वाले हो, कि आज तक कोई भी कैंडिडेट चाहे कोई भी हो, आज तक किन्नर समाज को कहीं भी याद नहीं करा होगा। आज मेरे योगेंद्र चंदौलिया जी ऐसे हैं प्रथम कि आज किन्नर समाज को अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में और अपने भोजन करने के लिए किन्नर समाज को याद करा। और नर और नारी, पुरुष और महिला को सब पूछते हैं, सारे पार्टियों में सब चीज़ में पूछते हैं, लेकिन आज पहली बार किन्नर समाज को याद करे हैं, ये तो बहुत बड़ी बात है। और ये मेरे मोदी जी के राज में हुआ है, अगर मोदी जी मेरे नहीं रहते तो आज ये नई नौमत आती, मैं यहाँ नहीं आती। मेरा एक सवाल है पॉलिटिकल लेकर, देखे अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली में लगातार डोर टू डोर कर रहे हैं और सभा भी कर रहे हैं, अभी हाल ही में जेल से निकल के आए और देखा जाए जो फ्री योजना दे रहे हैं जनता को, कहते हैं फ्री योजना दे तो जनता का भला होगा, क्या आप लोग इसमें समर्थन देंगे, क्या करेंगे? देखिए जी, फ्री योजना के लालची नहीं है जनता, जनता अपने मेहनत के कमाई पे है निर्भर है। आप तो जनता को फ्री दे के उनको आलसी बना रहे हो, निकम्मे बना रहे हो, फ्री नहीं चाहिए जनता को, जनता अपनी मेहनत पे है, चाहे वो 10 रुपये कमाएगा, 1 रुपये खाएगा, 9 रुपये जोड़ेगा, वो अपने बलबूते पे है, किसी को जनता को फ्री की ज़रूरत नहीं है जी। तो क्या लगता है जो अभी 4 मई को जो रिजल्ट आएगा, पूरे देश में भगवा लहराएगा दोबारा? भगवा लहरा गया, लहराने की ज़रूरत नहीं है, भगवा तो लहरा गया है, अब खाली ज़रूरत है कि वो भगवा जो लहरा हुआ है ना, उसका हवा हमारे तक आएगा कि भगवा की महक आ रही है। भगवा तो लहर गया, जब राम मंदिर का निर्माण हुआ जब भी भगवा लहर गया, पूरे हिंदुस्तान के अंदर में लहराने की ज़रूरत नहीं, भगवा तो आ ही गया है और 400 से पूरा ही होंगे, पार हो जाएंगे मोदी जी, यानी आप लोगों के आशीर्वाद से 400 पूरा पार होंगे जी। जी, हमारा ये जो समाज है और जो कह रहे हैं कहीं ना कहीं 400 पार का आशीर्वाद हम दे रहे हैं, और क्या लगता है जो 4 मई को जो रिजल्ट आएगा वो देश का प्रधानमंत्री दोबारा नरेंद्र मोदी जी बनते हैं नहीं? कैमरा अंकित के साथ दीपक कुमार, C12 न्यूज दिल्ली। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए C News भारत।